पटना की रहने वाली एक महिला ने दिल्ली में 3 तलाक के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। महिला का कहना है कि छोटे कपड़े नहीं पहनने और शराब नहीं पीने पर पति ने 3 तलाक दे दिया। तलाक देकर पति ने घर से भगा दिया। महिला के मायके वाले बहरीन में रहते हैं। 10 अक्टूबर को उसने महिला आयोग में पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत दर्ज कराने के बाद सास ने पटना सिटी के खजुरबन्ना स्थित घर से उसका सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक दिया। इसके खिलाफ उसने दिल्ली के थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। महिला का कहना है कि तलाक देने के बाद उसका पति दूसरी शादी करने के चक्कर में। एक सितंबर 2019 को मेरे हस्बैंड मुझे तलाक दे के जा चुके हैं। पहले तो उन्होंने मुझे 3 तलाक दे के पहले घर से निकाला। जब मैं वापस आई, 3-4 घंटा मैंने अपने भाई के यहाँ स्पेंड किया। उसके बाद जब मैं वापस आई तो वो घर पे नहीं थे। उसके बाद से वो कभी आए ही नहीं घर पे। और मुझे उनकी मेरी मदर इन लॉ आई और सारा घर का सामान निकाल के वो लेके चली गई। अभी फिलहाल मैं अपने भाई के साथ रह रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक तो दे दिया, उनका एक्चुअली अफेयर्स था और बाकी लड़कियों के साथ, जिसकी वजह से वो चाहते थे कि मैं खुद ही खुला दे के हट जाऊँ। उनके अकॉर्डिंग मैं उनके स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती। उनको चाहिए था कि लेट नाइट पार्टी में जाऊँ, छोटे छोटे कपड़े पहनूँ, उनके हस्बैंड के उनके फ्रेंड के साथ एक्चुअली मैं स्वैपिंग, वो चाहते थे कि वाइट स्वैपिंग वो करें, मैं उनके फ्रेंड के साथ हूँ, वो अपने फ्रेंड की वाइफ के साथ, तो जो इसके लिए मैं तैयार नहीं थी। तो उनका ये कहना था कि ये गंवार है, देहाती है, जाहिल है, इस मेरे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती, मेरे अकॉर्डिंग नहीं ढल सकती, तो तुम चली जाओ। मेरी शादी अभी 4.5 साल हो चुके हैं। 4.5 साल की शादी, और इस बीच में मार पिटाई हुई है। उन्होंने बहुत मारा है मुझे, जिसके गवाह मेरे कॉलोनी वाले, बिल्डिंग वाले सब हैं। बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मारा है, इवन कि मेरा अबॉर्शन तक उन्होंने फोर्सफुली करवाया है। फोर्सफुली अबॉर्शन कैसे कराया है? उन्होंने मुझे घर पे, क्योंकि वो बाहर जाके डॉक्टर से चाहते थे कि हॉस्पिटल में अबॉर्शन हो। फर्स्ट बेबी भी नहीं, मेरे एक्चुअली 2 बेबी ख़त्म हो चुका है। फर्स्ट में भी उन्होंने बहुत कोशिश किया कि हॉस्पिटल में जाके मेरा अबॉर्शन कराएं, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। तो जिसकी वजह से वो बेबी मैंने कंसीव किया। और ये मेरी भी ज़िद थी कि नहीं, मुझे बेबी चाहिए, क्योंकि मेरी शादी को 3.5 साल हो चुके थे, तो ऑब्वियसली मुझे बेबी चाहिए था। तो ये मेरे हस्बैंड एक बार भी मेरे साथ डॉक्टर क्या नहीं गए, एक बार भी नहीं, जिसकी वजह से मेरे बेबी लास्ट में, और ना मेरे खाने का ख्याल, कुछ नहीं, मैं जॉब छोड़ चुकी थी, घर पे थी। तो फाइनली मेरी बेबी 9 मंथ्स की होकर मेरे पेट में, गले में नॉट आ गया था, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाई। एक विमेन कमीशन में हूँ, महिला आयोग में हूँ। मेरे हस्बैंड ने 1 सितंबर को 3 तलाक देके मुझे घर से निकाल दिया। क्या कारण, क्या मतलब? कारण ये था कि उनको अकॉर्डिंग मैं उनके लेवल की नहीं थी। उनको एक स्मार्ट लड़की चाहिए थी जो छोटे कपड़े पहने, लेट नाइट पार्टी में जाए, ड्रिंक करे, लेकिन मैं उस तरह की नहीं थी। इस वजह से वो काफ़ी हमारे बीच में फाइट होता था कि मैं उनके अकॉर्डिंग ढल जाऊँ। मैं ढली, लेकिन एक लिमिट तक, मेरा कहना था कि मैं एक लिमिट तक अपने कपड़े छोटे कर सकती हूँ, ज़्यादा नहीं छोटे कर सकती। लेकिन उनकी मदर का इतना सपोर्ट था, उनकी फैमिली का इतना सपोर्ट था, उनकी माँ शहला अजीज़, इमरान मुस्तफ़ा मेरे हस्बैंड का नाम है, तो शैला अजीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि हाँ, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लायक नहीं है, तो इसको। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता नूपुर के पास। नूपुर, क्या कुछ घटना निकल कर सामने आ रही है? जी, जैसा कि मेरी बात हुई थी इनसे, तो इन्होंने बताया कि इनको फोर्स करते थे इनके हस्बैंड वाइट स्वैपिंग के लिए, जो कि सरासर गलत है, जिसमें इनको कहा जाता था कि वो किसी अपने पति के किसी दोस्त के साथ सोएं और साथ में उनके पति किसी उनके दोस्त की वाइफ के साथ अपना संबंध कायम करना चाहते थे, जिसको लड़की ने मना किया, जिसकी वजह से वो काफी परिचारित की गई उनके पति के थ्रू। और उसके बाद उनको उनको काफी मार पिटाई भी हुई उनके साथ। और क्योंकि लड़की का कहना ये है कि वो नहीं चाहती थी कि उनका घर टूटे, और वो उनकी माँ क्योंकि अकेली है और फादर का स्वर्गवास हो चुका है, तो वो नहीं चाहते थे कि उनके पति उनको छोड़े। और जिस बात को उन्होंने काफी दबाने की कोशिश की, पर आखिरकार उनका बर्दाश्त से बाहर हुआ। फिर उन्होंने अपने भाइयों को और अपनी माँ को इसके बारे में बताया। तो लड़की के परिजन चाहते हैं कि इंसाफ हो और लड़की तलाक ले, पर लड़की का अभी भी यही कहना है कि अगर उनके पति चाहे तो वो उनके साथ ही रहना चाहेंगी। चलिए, धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका।